कोई भी ड्राइवर कभी भी यह सोचकर अपना सफर शुरू नहीं करता है कि वह एक्सीडेंट करेगा या जल्दी पहुंचने के लिए किसी की जान ले लेगा। आखिर उसे भी तो अपनी जान प्यारी है, क्योंकि अगर किसी के पास 5-7 लाख रुपए होते तो वह भला 10-15 हजार रुपए के लिए ट्रक क्यों चलाएगा? कोई छोटा मोटा व्यापार करेगा या फिर कोई छोटी गाड़ी खरीद कर उसे चलाएगा। कई बार तो गाड़ियां पुलिस द्वारा जब्त होने से पहले भीड़ द्वारा जला तक दी जाती है। तोड़फोड़ तो बहुत आम बात है और अनजाने में उनसे सड़क पर कोई दुर्घटना होने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो बड़े वाहन चालक की गलती मानकर उन पर टूट पड़ती है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में हिट एंड रन के मामलों में सजा के प्रावधान का पता चलेगा तो आप चक्कर खा जाएंगे और यही कहेंगे कि इसके सामने भारत का नया हिट एंड रन कानून कुछ भी नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि हिट एंड रन में दोषी पाए जाने पर UAE में 56 लाख रुपए तक का जुर्माना है, यानी भारत के नए कानून के मुताबिक 8 गुना ज्यादा। तो नया साल इस बार थोड़े उथल पुथल के साथ आया। दरअसल नए साल का जोश तब ठंडा पड़ गया जब घरों से निकलने पर लोगों को यह पता चला कि बसों के साथ साथ छोटी मोटी लोकल सवारी गाड़ियां यहां तक कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स तक हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके बाद सारी पिकनिक और सभी सेलिब्रेशन पर पानी फिर गया। ऐसे में आम पब्लिक जो भी इस पूरे मामले से अनजान थी उन सभी को इस देशव्यापी हड़ताल की गंभीरता समझ में आने लगी। साथ ही जानने की जिज्ञासा भी जाग उठी कि आखिर पूरा मामला है क्या। हालांकि जब तक हर किसी को पूरी बात समझ में आती हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सुलह हो गई। दोस्तों इस पूरे मामले में हर किसी के दिमाग में यह बात तो एक बार जरूर आई होगी कि आखिर इस हिट एंड रन केस के नए कानून में ऐसा क्या नया हुआ जो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हिट एंड रन के मामले में सजा और जुर्माना तो होना ही चाहिए, तो क्या यहां ड्राइवर्स की मांगे गलत है या फिर सरकार के नए कानून में कोई खामी है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये जानेंगे कि इस नए कानून में ऐसा क्या था जिसके खिलाफ देश भर के ड्राइवर्स एकजुट हुए और हड़ताल के चौथे दिन ही आखिरकार गवर्नमेंट को उनसे सुलह करनी पड़ी। बिल्कुल गलत निकाला है, इस पे कोई ना कोई कानून पे इस पे सोल्यूशन निकाला जाए। इनकी बीबियां परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए। हम कार चलाने वाले लोग रात को घर जाके सोते हैं। सात लाख रुपए और 10 साल की सजा कैसे करेगा? या 5-4 रुपए में ड्राइविंग एक नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है। 30 दिसंबर को शुरू हुई इस हड़ताल ने अभी अपना असर दिखाना शुरू ही किया था कि ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग अलग ड्राइवर संगठनों से जुड़े लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का स्टीयरिंग छोड़ो के नाम से चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके बाद इसमें टैक्सी और ऑटो रिक्शा जैसी गाड़ियां भी शामिल हो गई। अब यहां एक बात और है जो गौर करने वाली है। सरकार कोई भी हो, इतना अंदाजा तो होना ही चाहिए कि कोई भी कानून लागू होने पर कुछ लोगों द्वारा विरोध तो होना ही होता है, भले ही हुआ सबके फायदे के लिए ही क्यों ना हो। अगर हिट एंड रन के नए कानून के मामले में ट्रक जैसे वाहनों और बसों व छोटी सवारी गाड़ियों के लिए अलग अलग समय पर नियम पारित किए जाते तो शायद एक साथ इतने बड़े पैमाने पर हड़ताल नहीं हुई होती। इससे एक फायदा और होता तो ये कि अगर किसी एक कानून बनाने में या उसको लागू करने में सरकार को कुछ संशोधन करना होता, दूसरी गाड़ियों को लेकर कानून पारित करने में वो संशोधन पहले ही कर सकते थे। बहरहाल हड़ताल के दौरान बताया गया कि आपराधिक कानून में किए गए बदलाव के कारण हिट एंड रन केस में भी सजा बढ़ा दी गई है, जिसके चलते देश भर में ट्रक और बस चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बस और ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ ऑटो चालकों ने भी मोर्चा खोल दिया। इसमें एक बड़ी वजह यह भी बताई गई थी कि हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर फरार ड्राइवर को अब 2 साल की नहीं बल्कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं संगठनों का यह कहना है कि सड़कों पर रोजाना लाखों की संख्या में ट्रक ड्राइवर चलते हैं और कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं में अक्सर मजबूरी बस ड्राइवर को अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है, भले ही गलती ड्राइवर की हो या ना हो, क्योंकि अगर ड्राइवर वहां मदद के लिए रुक भी जाए तो मौजूद भीड़ उसकी हत्या तक कर सकती है। देखा जाए तो संगठनों का कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पब्लिक हमेशा ही बड़ी गाड़ियों को ही दोषी समझती है, चाहे वो ट्रक से छोटी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो या फिर छोटी गाड़ियों से बाइक साइकिल और पैदल चलते लोगों का एक्सीडेंट हो। पब्लिक के गुस्से का शिकार हमेशा ही बड़ी गाड़ी के ड्राइवर ही होते हैं। बहरहाल इस बारे में चाहे तो सरकार कुछ सख्त कानून पब्लिक पर भी लागू कर सकती है, जिससे मामला पूरी तरह तो नहीं लेकिन थोड़ा बैलेंस जरूर हो सकता है। इसमें और क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने से पहले आइए जान लेते हैं कि क्या है हिट एंड रन केस जिसको लेकर सरकार इतना कड़ा रुख अपना रही है और वो कौन से कानून थे जिनको लेकर इतना हंगामा खड़ा हुआ था। दोस्तों सड़कों पर होने वाली हिट एंड रन की कोई ना कोई घटना हर साल ही सुनने को मिल जाती है और इनमें से ज्यादातर में जाने भी जाती हैं, कभी कभी हॉस्पिटल पहुंचकर, तो कभी रास्ते में, तो कभी ऑन स्पॉट। हिट एंड रन सड़क दुर्घटना का एक ऐसा प्रकार है
जिसमें किसी एक वाहन की दूसरे वाहन, व्यक्ति या चीज से टक्कर के बाद वाहन चालक पकड़े जाने के डर से उस स्थान से भाग जाता है, यानी वह दुर्घटना के स्थान पर बिना रुके या मदद की कोशिश किए फरार हो जाता है, तो उस पर हिट एंड रन का केस बनता है। भारत में हिट एंड रन का नाम सुनते ही हर किसी के मन में जो सबसे पहली दुर्घटना उभर करके आती है वो सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़ करके ही आती है, जबकि इस केस में एक्टर का गुनाह कभी साबित नहीं हो सका। हालांकि यह भी सच है कि इससे पहले भी और इसके बाद भी न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी, इसलिए इस पर कंट्रोल करने के लिए कानून को सख्त तो होना ही चाहिए। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि भारत की गिनती उन देशों में की जाती है जहां हिट एंड रन के मामले सबसे ज्यादा आते हैं और इन एक्सीडेंट में मौतें भी सबसे ज्यादा होती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें हिट एंड रन से जुड़ी हुई 25 से 30 हजार मौतें भी शामिल होती हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 की तुलना में 2022 में हिट एंड रन के मामले 17% ज्यादा सामने आए। इनमें मौत भी पिछले साल से 17% ज्यादा लोगों की हुई, तो वहीं घायलों की संख्या भी 20% बढ़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2005 से लगातार हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे हो रहे हैं। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान यह आंकड़ा नीचे जरूर आ गया था, लेकिन तब भी देश में 3,72,181 हादसे हुए थे, जिनमें 1,38,383 लोगों की जान चली गई थी। तो आखिर क्यों हुई हड़ताल और क्या था पूरा मामला? दरअसल यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब कुछ दिनों पहले संसद में 3 आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए गए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद तीनों विधेयक कानून बन गए, हालांकि ये अभी लागू नहीं हुए हैं। हिट एंड रन का नया कानून क्या है और यह पुराने कानून से कितना अलग है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। पहला, नए कानून के तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना ही मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है या 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरा, अगर ड्राइवर घटना की जगह से भागता नहीं है तो भी उसे 5 साल की सजा काटनी पड़ सकती है, यानी अगर वह गुनाहगार है और सरेंडर कर देता है तो 5 साल की ही सजा होगी। तीसरा, दुर्घटना के बाद अगर आप पीड़ित की मदद के लिए प्रयास करते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं और फिर भी उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको 2 या 3 साल की सजा मिल सकती है। चौथा, एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर भागे या सरेंडर करे, दोनों ही मामले गैर जमानती है, यानी इनमें पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी। पांचवा, ये नए कानून सभी वाहनों के लिए लागू होंगे, फिर चाहे वो बस हो, कार हो, दो पहिया हो या फिर ट्रक हो या टैंकर हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर दुर्घटना में ड्राइवर की गलती अगर नहीं होती है तो उसे सजा भी नहीं मिलेगी, लेकिन यह सब सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं, क्योंकि ड्राइवर की गलती है या नहीं इसका फैसला तो बाद में ही होगा, इससे पहले पब्लिक क्या करेगी यह बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यहीं पर आता है मॉब लिंचिंग का मुद्दा। मॉब लिंचिंग को लेकर भारतीय न्याय संहिता 2023 में इस अपराध के लिए 10 साल का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मॉब लिंचिंग करने पर मिनिमम 10 साल की जेल से लेकर फांसी तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर के डर को देखते हुए इस नए कानून से मॉब लिंचिंग के कानून को भी कनेक्ट किया जाएगा। दरअसल जो नया कानून बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक यह ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता का रिप्लेसमेंट है। पहले भारतीय न्याय दंड संहिता में हिट एंड रन जैसी घटनाओं के लिए कोई सीधा कानून नहीं था, हालांकि इसके बजाय ऐसे मामले में कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 304A का प्रयोग किया जाता था, जिसके मुताबिक लापरवाही से किए गए किसी काम की वजह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है, जो कि फिलहाल अभी लागू है। दोस्तों, हिट एंड रन को लेकर भारत में जितना बवाल मचा है वह सही है या गलत, इसे जानने के लिए हमें एक नजर दूसरे देशों के कानूनों पर भी डालना होगा। इससे यह भी आसानी से समझा जा सकता है कि इस मामले में सजा या जुर्माना क्या वाकई में ड्राइवर्स के साथ ज्यादती है या फिर यह हंगामा पूरी तरह से राजनीति है। यूएस लॉ फर्म जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हिट एंड रन के मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई हो और उसमें दोषी पाए जाने पर ड्राइवर को 6 महीने से लेकर 30 साल तक की सजा का कानून है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। वहीं अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में हिट एंड रन के मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। यूके की बात करें तो वहां हिट एंड रन के मामलों में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को भारी जुर्माना समेत 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। जर्मनी में हिट एंड रन के दोषी के लिए 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का चश्मदीद है और उसने पीड़ित की मदद नहीं की, 1 साल की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वहीं पड़ोसी देश चीन में हिट एंड रन मामलों में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, तो साउथ कोरिया में हिट एंड रन के मामले में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है।
जापान में हिट एंड रन मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। अब इन देशों के कानून तो एक बार आपको भारत के करीब या थोड़े ज्यादा ही नजर आ सकते हैं, लेकिन जब आपको अरब देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हिट एंड रन के मामलों में सजा के प्रावधान का पता चलेगा तो आप चक्कर खा जाएंगे और यही कहेंगे कि इसके सामने भारत का नया हिट एंड रन कानून कुछ भी नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि हिट एंड रन में दोषी पाए जाने पर यूएई में 56 लाख रुपए तक का जुर्माना है, यानी भारत के नए कानून के मुताबिक 8 गुना ज्यादा। भारत में हिट एंड रन के नए कानून को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ है उसमें ड्राइवर्स की मांगे क्या थी, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल पूरे हंगामे की वजह या कहें कि नए हिट एंड रन कानून का विरोध मुख्य रूप से दुर्घटना की जगह से भागने के लिए कड़ी सजा के इर्द गिर्द केंद्रित है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नए कानून के मुताबिक ड्राइवर को 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए का जो तगड़ा जुर्माना निर्धारित किया जाना था वो पुराने नियम के तहत लागू 2 साल की सजा और जुर्माना से बहुत ही ज्यादा है। अब ड्राइवर्स के लिए स्थिति एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली है, क्योंकि दुर्घटना भले ही पूरी तरह से उनकी गलती की वजह से ना हुई हो लेकिन इसका खामियाजा उन्हें काफी बड़ा भुगतना पड़ सकता है। नए कानून में हुए इस प्रावधान के खिलाफ देश भर के ड्राइवर्स ने आवाज उठाई और इसे काला कानून बताया। हम यहाँ आपको याद दिला दें कि यह कानून ट्रक और बस ड्राइवरों पर ही नहीं बल्कि किसी भी गाड़ी पर लागू होना तय हुआ था जो सड़कों पर चला करती है। इस पूरे मामले में ट्रक और बस ड्राइवरों का कहना था कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारी ड्राइवर्स का यह कहना भी गलत नहीं है कि वह जानबूझकर किसी हादसे को न्योता नहीं देते हैं। उनके मुताबिक ज्यादातर हादसे छोटी गाड़ी वालों की गलती की वजह से होते हैं और अनजाने में उनसे सड़क पर कोई दुर्घटना होने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो बड़े वाहन चालक की गलती मानकर उन पर टूट पड़ती है। कुछ मामलों में बड़े वाहन चालकों की मॉब लिंचिंग तक कर दी जाती है। उनका कहना है कि ऐसे में अगर वो दुर्घटना के बाद रुकते हैं तो भीड़ उनकी जान ले लेगी और अगर नहीं भी रुकते तो सरकार मार डालेगी। दोनों ही मामलों में उन पर उनके परिवार पर मुसीबत ही मुसीबत है। दोस्तों यहाँ ड्राइवर्स की इस मांग को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे दिन सुनते रहते हैं। ऐसे में सरकारों को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि दुर्घटना के बाद अगर ड्राइवर वहाँ रुकता है तो उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है, क्या मॉब लिंचिंग से उसे बचाया जा सकता है, भीड़ को कैसे जागरूक किया जाएगा। इस पर भी एक अभियान और सख्त कानूनी प्रावधान की जरूरत है, वरना ड्राइवर से यह उम्मीद करना बेमानी ही होगी कि दुर्घटना के बाद वो अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ रुकने की हिम्मत करें। दूसरा अहम तर्क ये है कि जो ड्राइवर महीने में 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं वह ऐसे में 7 लाख रुपए का जुर्माना कहाँ से दे पाएंगे। इन तर्कों के आधार पर संगठनों ने सरकार से नए कानून पर एक बार फिर से सोच विचार करने की गुजारिश की है। देखा जाए तो ड्राइवर्स की आबाद भी गौर करने वाली है, क्योंकि अगर किसी के पास 5-7 लाख रुपए होते तो वह भला 10-15 हजार रुपए के लिए ट्रक क्यों चलाएगा, कोई छोटा मोटा व्यापार करेगा या फिर कोई छोटी गाड़ी खरीद कर उसे चलाएगा। यह एक बात तो हर किसी के दिमाग में जरूर कौंधी होगी कि अगर ड्राइवर नहीं तो उस ट्रक का मालिक तो यह जुर्माना भर सकता है, जरूर भर सकता है अगर वह चाहे तो। लेकिन अब जरा ट्रक या दूसरी गाड़ियों के मालिक के नजरिए से भी इस मैटर को देख लेते हैं। दरअसल कौन सी गाड़ी कब और कहां एक्सीडेंट कर जाएगी और उसके बाद गाड़ी की क्या दुर्दशा होगी या कोई नहीं जानता है, क्योंकि ड्राइवर जान बचाकर भाग भी निकला तो गाड़ी जितनी डैमेज हुई होगी उससे भी कहीं बुरी स्थिति में मालिक के हाथ आती है। कई बार तो गाड़ियां पुलिस द्वारा जब्त होने से पहले भीड़ द्वारा जला तक दी जाती है। तोड़फोड़ तो बहुत आम बात है, इसके बाद भी उसे हासिल करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया और फिर गाड़ी मिलने पर उसकी मरम्मत, इतने पर भी गाड़ी मालिक ड्राइवर के लिए 7 लाख रुपए का जुर्माना भरेगा, यह हर किसी के लिए शायद संभव नहीं है। बहरहाल इस नए कानून में कब और कितना संशोधन किया जाएगा यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल सरकार और संगठनों के बीच सुलह तो हो चुकी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के मुताबिक ट्रक ड्राइवर्स की अलग अलग एसोसिएशन से चाहती थी कि हिट एंड रन एक्ट में किए गए बदलाव को समाप्त कर दिया जाए, जिसके बाद हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए संगठन द्वारा मंगलवार यानी 2 जनवरी की दोपहर के बाद एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी और गृह मंत्रालय के साथ बातचीत भी की गई। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी ट्रक ड्राइवर की हड़ताल का लोगों पर असर न पड़े इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दोनों पक्षों में ही सुलह के बाद 30 दिसंबर से देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल मंगलवार यानी 2 जनवरी की देर रात को खत्म हो गई, जिसके बाद संगठन ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हिट एंड रन कानून से जुड़े मसलों पर पहले बात की जाएगी तभी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही अपील की गई है कि ड्राइवरों की चिंता का हल निकल चुका है, वो अपने वाहनों पर आए और बिना डर के गाड़ी चलाए। बहरहाल इस हड़ताल के खत्म होने से पब्लिक के साथ साथ ट्रक ड्राइवर्स को भी काफी राहत पहुंची है, क्योंकि ज्यादातर ट्रक ड्राइवर डेली इनकम बेसिस पर ही अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों यह समझने की बात है कि कोई भी ड्राइवर कभी भी यह सोचकर अपना सफर शुरू नहीं करता है कि वह एक्सीडेंट करेगा या जल्दी पहुंचने के लिए किसी की जान ले लेगा, आखिर उसे भी तो अपनी जान प्यारी है। हाँ, अगर कोई जानबूझकर या नशे की हालत में एक्सीडेंट करता है तो उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, भले ही वो कितने भी बड़े रसूख वाला क्यों ना हो।
सबसे बड़ी बात कि दुर्घटना को लेकर पहले से ही कानून है और अगर उनका ही सख्ती से पालन किया जाता तो देश में इतने एक्सीडेंट नहीं होते। ऐसे में नए नए कानून बनाने भर से कुछ नहीं होने वाला है, उनका सख्ती से पालन होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनने से लेकर गाड़ी ड्राइविंग तक सब शामिल है। दोस्तों क्या लगता है, इस पूरे मामले में सरकार को इस कानून में फेरबदल करना चाहिए या ड्राइवर्स को इसे बिना किसी शर्त के मान लेना चाहिए, या फिर यह मामला उतना बड़ा था ही नहीं जितना इसे बना दिया गया? तो क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति थी? आप अपनी राय कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।